तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पल्सिव फोर्स, कि इम्पल्स क्या है, कैसे फील करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखो, इम्पल्स एक तो मैथमेटिकल पढ़ना है और एक थोड़ा फील करना है। तो पहले आप मैथमेटिकली समझो क्या चीज होती है, कि जब भी कोई एक हैवी फोर्स बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लगता है किसी बॉडी पे, दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन कुछ तरह से बताई जाएगी, व्हेन अ हैवी फोर्स या व्हेन अ लार्ज फोर्स इज सब्जेक्टेड टू अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन सच फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। आप ऐसा नोट कर सकते हो। बट एक बात समझो कि फील क्या है, कि जब एक बहुत बड़ा अमाउंट का फोर्स किसी भी बॉडी पर बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए लगे पर उसको इफेक्ट बहुत देर तक नजर आए, दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। अपने प्रैक्टिकल लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊँ, दो चार एग्जाम्पल बता देता हूँ, कि जैसे मान लो अभी तो मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, तो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो जो बॉल आती है और बैट के साथ टकराती है, तो उसे जो बैट से टकराने में कितना टाइम लेती है, 0.01 सेकेंड, है ना। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, काफ़ी कम टाइम होता है। सो जो बॉल ऐसे आ रही थी, इस डायरेक्शन में आ रही थी, और जब बैट्समैन हिट करता है तो बेसिकली सोचो उसकी आने की डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाती है, और उसका इम्पैक्ट कई बार जब वो सिक्स मारते हैं तो जो कितने दूर तक नजर आता है, तो जो फोर्स लगा, सो जो फोर्स छोटा मोटा फोर्स हो गया, हैवी फोर्स होगा। ऐसा तो नहीं सिक्स मारना हो तो बस टच कर दिया और सिक्स चला गया, ऐसा तो नहीं, क्या उस पर काफ़ी हैवी फोर्स लगाना पड़ता होगा। दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। और देखो एक और फील वाला एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक ट्रक आ रहा है तेजी से और उससे कोई टकरा जाए, तो सोचो ट्रक और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो कोलिजन का टाइम होगा ना, वो टाइम बहुत कम होगा, बट सोचो क्या उतने कम ड्यूरेशन में भी वो इंसान निपट लेगा, है ना। तो जब बहुत हैवी फोर्स बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, देन सच फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। तो आप ये नोट कर लो कि इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं। मैथमेटिकली उनको कैसे डिफाइन किया गया, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी ना लिख के डी टी लिख देते, क्योंकि डी टी कैसा होता है, बहुत स्मॉल फोर्स होता, सॉरी स्मॉल टाइम होता है। बट हमने एक चीज और पढ़ रखी थी, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, सेकेंड लॉ। तो बेसिकली इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी टी को अगर हम इम्पल्स बोलते हैं तो इसका मतलब इट विल इक्वल टू डी पी, एंड डी पी इज वॉट, चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम जिसे हम डिनोट करेंगे पी वेक्टर से, इज इक्वल टू द एम इंटू वी वेक्टर, वेयर वी इज व्हाट, वेलोसिटी, एंड एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और पी क्या है, पी मोमेंटम है। क्लैरिटी अपने को, तो आप ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर मुझे कभी भी इम्पल्स निकालना हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो चाहे इम्पल्स की बात कर लो चाहे चेंज इन मोमेंटम, क्या एक ही बात है, है ना। क्योंकि अभी भी हम देखा इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो देखो कई बार कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल से होते हैं, बट हमें एक बात पता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि सपोज ऐसा ले लो, इस तरह से ये अपनी एक दीवार होगी और इस पर एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराया, कुछ स्पीड अभी ले लेंगे, इसका मास मान लो अपना लिया 2 kg, ये एंगल अभी मैं कुछ बोल देता हूँ थीटा है, और टकरा के ऐसे चला गया। बट थीटा का वैल्यू कुछ ले लेंगे, 30 degree 60 degree, वो एक बाद में देखेंगे, बट अभी ऐसा समझो ऐसे गया, और टकरा के पहले आने की स्पीड थी मान लो 10 meter per second, टकराने के बाद स्पीड भी मान लो मैंने मान ली ये थी v, और इधर भी क्या मान ली वी। आपको अगर सर अलग मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, वी 10 meter per second, और ये एंगल भी हमने क्या मान लिया थीटा, यहाँ थीटा की जगह कुछ और भी हो सकता था, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, वो लिख देंगे हम।
तो आपको डेटा समझ में आया क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg था, थीटा एंगल पर टकराया, थीटा का वैल्यू बाद में ले लेंगे, 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी लेंगे, टकरा के थीटा डिग्री थीटा एंगल पर चला गया, स्पीड सेम रही, स्पीड बदल भी सकती है तो 20 कर देता, 20 कर देता है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द इम्पल्स अप्लाइड बाय दिस बॉल एट द सरफेस, ये अपने कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अपने को क्या करना है, बेसिकली आप सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालो। व्हाट डू मीन बाय इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, वी फाइनल माइनस वी सॉरी चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज में पर्टिकुलर चेंज निकालना है अपने को, डेल्टा पी वेक्टर। तो डेल्टा पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने क्या किया कि हमने इनिशियल मोमेंटम भी लिख लिया और फाइनल मोमेंटम लिख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था इस तरह से, इस वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट करें इसके, तो ध्यान समझना कंपोनेंट कैसे होंगे, साइड में मैं कहीं समझा देता हूं या यहीं लिख देता हूं। इस तरह से, और ये एंगल आपको गिवन है थीटा और ऐसे आ रहा है, तो सोचो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा इधर की साइड एंड सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा इधर की साइड। तो जब इसका इधर कंपोनेंट लोगे आप तो क्या आएगा, मान लो ये V था, तो इस V का इधर कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर एंड सेकंड कंपोनेंट आएगा इधर। तो इस V का x डायरेक्शन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर इस वेलोसिटी को मैं V लिख दूँ, V इनिशियल लिख दूँ, तो V इनिशियल वेक्टर क्या लिखा जाएगा, V इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा V cos थीटा i कैप, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट इधर की साइड x डायरेक्शन में आया तो लिख दिया v cos थीटा i कैप, और इसका इधर की साइड डायरेक्शन कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो क्या लिखेंगे, प्लस v sin थीटा माइनस ऑफ j कैप। इस माइनस साइन को यहां से निकाल के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर ये चीज, ओके। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, अब अगर इनिशियल मोमेंटम चाहिए तो क्या करो, इसमें मास से मल्टीप्लाई करो, देन व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, इट विल बी एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप, क्लियर है जी, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। अगर हम बात करें फाइनल की, तो देखो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल अपना ऐसे जा रहा है इस तरह से। अब इसके दो, ये मान लो एंगल आपने गिवन है थीटा, तो इसके ये अपना क्या है वी स्पीड, तो इसका देखो एक तो इधर कंपोनेंट आएगा और इसका एक सेकंड कंपोनेंट आएगा इधर, तो जब इसका इधर की साइड कंपोनेंट लिखोगे तो फाइनल स्पीड क्या लिखोगे, ध्यान समझे, वी फाइनल वेक्टर क्या लिखना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आएगा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी साइन थीटा माइनस जे कैप। तो वापस से हम चीजों को एनालिसिस करके इस माइनस को हम यहां भी बुला सकते हैं और इस माइनस को यहां लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर, ठीक, कोई परेशानी इसमें। तो अगर मुझे फाइनल मोमेंटम लिखना है, फाइनल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, एम माइनस का एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस का एम वी साइन थीटा जे कैप। तो इतना आप नोट करो स्क्रीन स्टॉप करके, फिर आगे हम इसका डेल्टा पी निकालते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, बस फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप और ये प्लस का एम वी साइन थीटा हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा माइनस ऑफ टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, है ना। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है, हम ऐसा भी लिख देंगे, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप, एक ही बात है, दोनों आंसर सही है। तो ये आगे, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम इस कंडीशन में। अब सोचो मुझे टाइम पास करना हो तो मैं बोल दूं m का वैल्यू 2 kg है तो m का वैल्यू 2 रख देंगे यार, यहां पर v का वैल्यू 10 था तो 10 रख देंगे,
थीटा मैं आपको बोल देता कि लाइक 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो आंसर आ नहीं जाता क्या? आंसर आ जाता। तो अब अच्छा मान लो, ध्यान समझ, इसका वैल्यू 10 होता और इसका वैल्यू 20 होता, तो फिर ये जो टर्म कैंसिल आउट नहीं, कौन सी टर्म? ये वाली, दोनों टर्म कैंसिल आउट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें फिर आपको V1 और V लिखना पड़ता, समझ आ रहा है? एक V1 लिखते और दूसरा V2 लिखते, तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं होते। तो फिर क्या होता? तो फिर सॉल्व कर लेते और क्या होता उसमें। क्लियर मेरी बात? तो आप स्क्रीन स्टॉप करें, इस चीज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम पे ना एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, और इसकी जो फील होगी ना वो हम बहुत अच्छे लेंगे कहां पर, सेंटर ऑफ मास। बट क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करना सिखा देता हूं, आगे भी फिर एक जगह आएगा वो, वहां और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन हमारी ना पीछे की साइड जाती, जर्क लगता है। तो आप सोचो ऐसा तो नहीं होता गन फायर करते टाइम आपने कैसे भी होल्ड कर लिया, फायर किया, तो अगर आप बहुत लेजी खड़े होंगे ना तो गन फायर होते ही, मतलब बुलेट फायर होते ही आप पीछे गिर जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी रिपल्सिव जो रिकॉयल स्पीड होती है ना उसे रिकॉयल स्पीड बोलते हैं, पीछे की तरफ जो गन हमारी जाती है। तो जब गन पीछे की तरफ मूव करेगी और अगर हमने उसे रोकना है कि ये पीछे ना जाए, तो हम एक सफिशियंट फोर्स लगा के रखते हैं। इसलिए हमने आपने आर्मी मैन इसलिए ट्रेनिंग कराई जाती है, नहीं तो हर कोई नहीं गन फायर कर लेगा। तो बेसिकली जब वो फायर करते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरह से गन को होल्ड करना है, कैसे फोर्स लगा के रखना। तो काफ़ी टाइट पकड़ के रखते हैं, ऐसे नहीं बहुत लेजी पकड़, टाइट पकड़ के रखते हैं और बुलेट फायर करते हैं। सोचो बुलेट फायर करेंगे तो ये पीछे जाएगी ऐसे, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे? ध्यान समझें, आपसे बोला जाएगा कि एक हमारी मान लो गन है, अभी गन बनाना, तो चलो ये अपनी गन हो गई है ना, और इससे एक बुलेट फायर हो रही है। इस बुलेट का मास ले लो, हमने ले लिया सपोज 200 ग्राम, और ये जिस स्पीड से जा रही है वो मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड। अब इस बुलेट गन को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने मान लो इस गन को होल्ड कराने के लिए फोर्स लगाया 200 न्यूटन, ये आपको गिवन है। तो बोला गया, ये डायग्राम बना लो, क्वेश्चन नोट करो, क्या बोला गया? फाइंड आउट दी नंबर ऑफ बुलेट्स विच कैन बी फायर्ड पर मिनट इफ वी अप्लाई 200 न्यूटन फोर्स टू होल्ड दी गन। ठीक, अब एक बात समझो आप कि जो फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या हम बोले डी पी अपॉन डी टी। ठीक, तो बेसिकली एफ एवरेज इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी लिख दिया हमने। अब डी पी इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम चेंज होगा वो सोचो, पहले बुलेट जो थी हमारी, पहले क्या थी? जो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। और जब वो मूव की तो मोमेंटम कितना हो गया उसका? एम वी। अगर मान लो हमने एन बुलेट, स्मॉल एन बुलेट्स फायर की है ना, तो बेसिकली एक बुलेट के मोमेंटम में कितना चेंज है? ध्यान समझना, पहले बुलेट का मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या? जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो। बट फाइनल वेलोसिटी मान लो, फाइनल स्पीड होगी वी फायर करने के बाद, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन सिंगल बुलेट? तो आप बोलोगे एम वी। मैंने ऐसा मान लिया कि एक मिनट में एन स्मॉल एन बुलेट्स फायर कर दी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो? तो आप बोलोगे स्मॉल एन एम वी और अपॉन क्या है? वन मिनट, तो इसे हम लिख देंगे डी टी। तो बस अप्लाई कर देना, 200 इज इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ द बुलेट कितना? 300 ग्राम। इसे 300 इंटू 10^-3 कर दो, या मैं तो चलो ठीक है, इंटू वी क्या हो जाएगा? 100 अपॉन डी टी कितना? एक मिनट, मतलब 60 सेकेंड। अब सोचो सॉल्व कर लेंगे तो क्या एन का वैल्यू आ जाएगा? वो जो भी है वो आंसर है अपना।
इज दैट क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप उनको ध्यान रखें। बाकी इसका और अभी इसमें छोटा सा डाउट है, वो मैं आपको कहाँ बता पाऊंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बताऊंगा, फील आएगी उसमें, बट अभी के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नोट करो इसको। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट हमारा स्टार्टिंग में रह गया था, दैट इज नोन एज इनर्शिया, उसको और समझ लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? देखो, इनर्शिया ऐसा समझो वो प्रॉपर्टी है, जिसमें अगर नोट कराना चाहो डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशंस का हमारे जेईई और नीट में कोई खास रोल होता नहीं, मतलब तो फील आनी चाहिए व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया, बट फिर भी का डेफिनेशन मैं नोट करा दूंगा। इनर्शिया बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स पोजिशन। मतलब इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने में होने वाले चेंज का अपोज करती है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे, ये अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसको अगर मुझे मोशन में लाना है, तो ऐसा थोड़ा देखते रहेंगे तो मोशन में आ जाएगा, तो क्या इस पर फोर्स लगा रहे हैं? तो जब हम इसे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब इस बॉडी को रेस्ट से इसकी कंडीशन चेंज कराने के लिए मुझे इस पर क्या लगाना पड़ा? फोर्स। मतलब इसने अपने रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में जाने के लिए अपोज किया, उस अपोज को ही इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? तो अच्छा, इनर्शिया क्लियर है, इनर्शिया की चीज होती है। अब इनर्शिया जो है वो मास पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सोचो एक बॉडी है बहुत हैवी है, वो ज्यादा अपोज करेगा, या एक बहुत लाइटर बॉडी है वो ज्यादा अपोज करेगी? जाहिर सी बात है, जिसका बॉडी का मास ज्यादा हुआ उसका इनर्शिया भी ज्यादा हुआ। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक, ओके। अब इनर्शिया कितने टाइप का होता है? इनर्शिया बेसिकली तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं इनको तीनों को पार्ट करके नहीं लिखा रहा, मैं सिर्फ समझा देता हूं। तो आप इनर्शिया के टाइप लिख सकते हो। पहला टाइप क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीन टाइप के होते हैं, है ना? तो सोचो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मैं सोचो लिखाना हो तो मुझे टाइम पास कराना, तो क्या लिखा दूंगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है उस टाइम के इनर्शिया क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब मोशन में होती है तो सोचो अगर कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है और उसे मुझे रोकना है, मतलब उसकी इनर्शिया को चेंज करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। जब आप सीधे जा रहे हो और आपको सोचो आपको बाइक टर्न करनी है, तो अपने आप तो नहीं होगी, क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है मेरी बात? ओके। इन सब चीज़ों के बहुत डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो कभी ऐसा करना मत, चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं लोग, तो क्या होता है आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए मिलते हैं फिर वो, है ना, और फिर सीधे हॉस्पिटल। तो बेसिकली जब वो जंप करते हैं तो होता है क्या, वो जंप किया तो वो जिस फ्रेम से जंप किए उस फ्रेम में मोशन था, तो उस फ्रेम ने अपनी स्पीड इनको दे दी। अब इनकी पूरी बॉडी मूव कर रही है, बट जैसे ही हमारे पैर ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आए तो पैर तो हो गए रेस्ट कंडीशन में, और ऊपर की बॉडी वो तो अभी कॉन्टेक्ट में नहीं आई, वो हो गई मोशन में। तो अब क्या होगा, अब ये पैर रेस्ट पर हैं और ऊपर वाली मोशन में है, गिर पड़े। या फिर आप कार में बैठे हुए हो या बाइक पे बैठे हुए, सडन एक्सेलरेट कर दो तो आप कहाँ जाओगे? पीछे, है ना, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में होगा। खैर, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हमारे पैर या ब्रेक, जैसे आप एक साथ जा रहे हो किसी स्पीड से जा रहे हो, और आप क्या, आपकी सारी बॉडी क्या है, मोशन में, बट जैसे ब्रेक लगाए तो पैर तो उसके साथ कॉन्टेक्ट में है, तो वो तो रेस्ट पे आ गए, बट इनर्शिया की वजह से हम आगे या पीछे की तरफ एक्सेलरेट होंगे, तो पीछे की तरफ इस ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं। और फर्स्ट लॉ है, तो आप वो भी देखोगे, फर्स्ट लॉ भी इनर्शिया का ही रिप्लीकेट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि अगर मुझे किसी बॉडी को रेस्ट पे और
वो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई बॉडी मोशन में तो तब तक मोशन बनी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसलिए फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे।